दोस्तों, एक ऐसा स्टार जिसके सेंटर में एक ब्लैक होल मौजूद हो और साथ ही साथ वो ब्लैक होल उस स्टार को एनर्जी भी देता हो, तो आप ऐसे स्टार्स को क्या कहेंगे? चलिए मैं बताता हूँ। इन स्टार्स को हम हॉकिंस स्टार्स कहते हैं। और क्या ये हॉकिंस स्टार्स सच में होते हैं या फिर ये कोई एक मनगढ़ंत कहानी है? दोस्तों, इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि आखिर इन हॉकिंस स्टार्स के पीछे कौन सा रहस्य छुपा हुआ है। दोस्तों, जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक होल्स के बारे में कि आखिर किन किन कैटेगरीज के ब्लैक होल्स अभी तक डिस्कवर किए गए हैं। दोस्तों, तीन तरह के ब्लैक होल्स होते हैं। सबसे पहला स्टेलर मास ब्लैक होल, दूसरा इंटरमीडिएट ब्लैक होल और तीसरा सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में इन तीन तरह के ब्लैक होल्स को इजिली डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इन तीनों के अलावा एक चौथी कैटेगरी भी आती है ब्लैक होल्स की, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी होती है। दोस्तों, ऐसे ब्लैक होल्स को प्राइमोडियल ब्लैक होल्स कहा जाता है और ये ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स में काफी ज्यादा तादाद में है। अगर बात करें इनके मास की, तो ये एक छोटे एस्ट्रॉइड जितना होता है और इनका साइज किसी एटम जितना और एक बास्केटबॉल जितना भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, एक नॉर्मल ब्लैक होल एक स्टार की डेथ के बाद फॉर्म होता है, राइट? लेकिन प्राइमोडियल ब्लैक होल्स के साथ ऐसा नहीं है। जितने भी प्राइमोडियल ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं, उनका फॉर्मेशन बिग बैंग के तुरंत बाद ही हो गया था। एंड यूनिवर्स में इन्फ्लेशन के चलते ये सारे के सारे ब्लैक होल्स पूरी यूनिवर्स में फैल गए। काफी ज्यादा तादाद होने की वजह से इनका एक और नाम भी पड़ गया, यानी पैरासिटिक ब्लैक होल। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं हॉकिंग स्टार के बारे में। दोस्तों, सवाल तो ये है कि क्या किसी स्टार के सेंटर में कोई ब्लैक होल मौजूद हो सकता है? टॉपिक को लेकर महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने 1970s में इस तरह के स्टार्स के होने की पॉसिबिलिटी बताई थी कि ऐसे स्टार्स जिसके अंदर प्राइमोडियल ब्लैक होल हो। एंड स्टीफन हॉकिंग ने ही 1970s में सबसे पहले ऐसे स्टार के होने के प्रेडिक्शन सबके सामने लाए थे और इसी वजह से इन स्टार्स का नाम दी हॉकिंग स्टार्स रख दिया गया। दोस्तों, साल 1970s में कुछ साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि हमारा सन उतने न्यूट्रिनोस पार्टिकल्स को जनरेट नहीं कर रहा है जितना उसे फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू करना चाहिए, जबकि सन के एनर्जी लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, न्यूट्रिनोज एक बाय प्रोडक्ट होते हैं फ्यूजन रिएक्शन का, जिसकी वजह से कोई भी स्टार्स अपनी लाइट को एमिट करता है। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये था कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टार के अंदर प्रोड्यूस हो रही थी और जो न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस नहीं कर रही है, उसका एनर्जी सोर्स आखिर क्या है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब स्टीफन हॉकिंग ने दिया। उन्होंने एक हाइपोथेटिकल थ्योरी बताई जिसमें लिखा था कि हो सकता है एक स्टार के कोर में एक ब्लैक होल मौजूद हो जो उस स्टार के मैटर्स को कंज्यूम कर रहा हो और वही एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करता हो। लेकिन हॉकिंग के इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया जब न्यूट्रिनोज ऑसिलेशन के बारे में साइंटिस्ट ने पता लगाया। एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, न्यूट्रिनोज काफी तेजी से अपने कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने वाला डिटेक्टर उन अननोन न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट नहीं कर पाया, जिसके बाद स्टीफन हॉकिंग के अ ब्लैक होल इनसाइड अ स्टार वाले थ्योरी को पूरी तरह से डिसमिस कर दिया गया एंड हॉकिंग स्टार वाली थ्योरी सिर्फ एक मिथ बन के रह गई। एंड दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को करें लाइक एंड शेयर, एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।